कुछ पत्रकार बंधु, ऐसा नहीं है कि सारी ठीक है, मुझे मालूम है यहाँ पर जो आए हैं उनमें कलेजा था सच सुनने का, उन्होंने कभी चाट वार्ता नहीं की होगी, लेकिन कुछ लोग चरण चुंबन की भाषा बोलने लगे। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि चरण चुंबन की भाषा है दरबार में। एक मित्र ने, एक भाई ने, हमारे ने बोला था कि एक चपरासी की सैलरी के बराबर एक वरिष्ठ पत्रकार की सैलरी होती है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, ऐसा क्या है कि चरण चुंबन की भाषा है दरबार में, अश्लीलता फैली है घर द्वार में, और जेब जिसकी भर रहे है मठाधीश, अब खबर उनकी ही छपती है अखबार में, खबर उनकी ही छपती है अखबार में। चौथा स्तंभ मानो टूट ही गया, चौथा स्तंभ मानो टूट ही गया, सच का साथ अब छूट ही गया। चौथा स्तंभ मानो टूट ही गया, सच का साथ अब छूट ही गया। पैसा मिलता रहा दर पत्रकार को, वही खबर मिलती रही बस अखबार को। कलम के सिपाही का सच लिखना बहुत जरूरी है, सच सच बताओ जेब भरना क्या आपकी मजबूरी है, सच सच बताओ जेब भरना क्या आपकी मजबूरी है। देश का मस्तक अगर ऊपर उठाना होगा, चौथे स्तंभ को फिर से हिलाना होगा। यारो अपना स्वाभिमान मत गिरने देना, यारो अपना स्वाभिमान मत गिरने देना, सर कट जाए पर ईमान मत बिकने देना, सर कट जाए पर ईमान मत बिकने देना। पत्रकारिता को अपनी जिम्मेदारी याद दिलाने आया हूं, सच का साथ निभाने आया हूं। अगर खामोश हुए तो जज्बात कौन बताएगा। अगली आखिरी पंक्ति पढ़ता हूं कविता की, और सच सच लिखी हो तो बता देना कि आप खामोश हुए तो जज्बात कौन बताएगा, भ्रष्टाचारियों की औकात कौन बताएगा, भ्रष्टाचारियों की औकात।